नमस्कार मित्रों, स्पाइस मनी मर्सेंट ऐप को कैसे यूज़ किया जाता है, तो आपको प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करनी है, स्पाइस मनी मर्सेंट ऐप। ये डाउनलोड जब कंप्लीट हो जाए तो उसको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद में यानी रेड कलर की स्क्रीन खुलेगी, ठीक है। देखते रहो आप, इंस्टॉल हो गया और अब इसको ओपन करते, ठीक है। ओपन करेंगे तो रेड कलर की स्क्रीन खुलेगी जो स्पाइस मनी का लोगो टाइप में होगा, ठीक है। अब ये स्क्रीन खुलने के बाद में यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। जो आपके पास में यूजर आईडी होगी और जो पासवर्ड होगा वही डालना है इसमें, उसके बाद में उसको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे वेरीफाई के लिए आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी इसमें डालना है, ठीक है। और उसके बाद में सबमिट करना है, तब आपको डैशबोर्ड खुलेगा, जैसे कि AEPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट, इसके बाद में मनी ट्रांसफ़र, रिचार्ज, ये बहुत सारी सर्विस इसमें ओपन होगी, ठीक है। उसके बाद में आपको आपके पास में जो ड्राइवर है, जैसे बायोमेट्रिक मोरपो का है, सेकिजिन का जो भी है, उसको इंस्टॉल करो, ठीक है। जब इंस्टॉल होगा तो उसके बाद में आपका स्कैन बायोमेट्रिक आपका स्कैन करना, ठीक है, कैप्चर करना है। उसके बाद में ऐड सेंडर करो, उस पर लॉगिन करो, उसको ऐड सेंडर करो। उसके बाद में रिचार्ज का ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। तो आपको मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हो, कोई भी कंपनी का मोबाइल, ठीक है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन खुलेगा जो DTS का रिचार्ज, ठीक है। तो आप DTS का भी रिचार्ज कर सकते हो, कोई भी कंपनी का, ठीक है। उसके बाद में आपको TV सेलेक्ट करनी है, कौन सी TV है रिचार्ज के लिए DTS की, ठीक है। एयरटेल TV, डिश TV, जो भी टाटा स्काई जो भी है वो सेलेक्ट करके रिचार्ज करो, ठीक है। उसके बाद में आपको ये TV रिचार्ज हो जाएगा। उसके बाद M-POS मशीन, ये भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। और APS आधार पेमेंट, ठीक है। उसके बाद में आपको बिल पे ऐड मनी करना है आपको, ठीक है। तो ऐड मनी करने के लिए आपके पास में नेट बैंकिंग होना अनिवार्य है, ठीक है। तो नेट बैंकिंग कोई भी बैंक का होना चाहिए आपका, ठीक है। तो उसको नेट बैंकिंग के पेज को लॉगिन करो, उसके बाद में ऐड मनी करो, ठीक है। जब ऐड मनी हो जाएगा, जैसे स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक की साइड ऑटोमेटिकल रीडायरेक्ट पेज हो जाएगा, ठीक है ना। और उसी पेज पे चले जाऊंगा और यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन करके ऐड कर लेना, ठीक है। अल्टरनेट बैंक का है तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद में ये स्क्रीन खुलेगी, एजेंट, रिचार्ज और ये बिल पे, ठीक है ना। और ये जो इनकी वेबसाइट है, ठीक है ना, स्पेस मनी एजेंट इंफॉर्मेशन की है, सब इसकी वेबसाइट है यहाँ पे, ठीक है। और इसकी ये सारी डिटेल्स है, ठीक है ना। आधार कार्ड प्रिंट है, EAPS है, विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक, एयर टिकट, कार एंड बाइक इंश्योरेंस, ठीक है ना, ऑल सर्विस इसमें है, ठीक है ना। स्पेस मनी मर्सेंट ऐप, इसको ही आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना अपने मोबाइल में, ठीक है ना।